हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। टुडे आई विल स्टडी अबाउट सुश्रुषुत्र स्थान, थर्ड चैप्टर, अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। तो एक तो आप इस चैप्टर का नाम याद रखिए, अध्ययन संप्रदानीय जो अध्याय है, सूत्र स्थान सुश्रुष संहिता का चैप्टर है। इस चैप्टर में विषय वस्तुओं का मेनली वर्णन किया गया है। तो हमको ये रेफरेंस याद रखना है कि सुश्रुत संहिता में विषय वस्तु का वर्णन कहाँ पे किया गया है। सुश्रुत संहिता में विषय वस्तु का वर्णन थर्ड चैप्टर में किया गया है, दैट इज अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में याद रखिए कि चरक जो है वो सूत्र स्थान 30 में वर्णित करते हैं और वांगभट जो है सूत्र स्थान 1 में वर्णित करते हैं। तो ये ध्यान रखना है इन सभी आचार्यों ने विषय वस्तु का वर्णन कहाँ पे किया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। ये जो 120 अध्याय हैं उसको आप लोग सूची निसाक से याद करके आए हो कि 40 40 16 10 8 के फॉर्म में 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है। इसमें ये ध्यान रखना कि उत्तर तंत्र के 66 जो अध्याय हैं वो बाद में वर्णित किए जाएंगे, ये आपके 120 अध्याय होने के बाद। नेक्स्ट इसमें देखिए तो सबसे पहले सूत्र स्थान का वर्णन है। तो इस संहिता में तो विषय वस्तु में सभी अध्याय जिन जिन स्थानों में हैं उसके नाम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिक से ध्यान रखिए कि वेदोत्पत्ति अध्याय से ये संहिता स्टार्ट हो रही है। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम क्या है, वेदोत्पत्ति अध्याय। फिर ये अध्याय एंड होगा अन्नपान विधि अध्याय पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस अध्याय का ये चीज़ तो जरूर याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि बीच का अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट शुरू एंड का आपको ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पे आपका कोटेशन लिखा हुआ है, सूचनात सूत्रनाच चैव सवतनात अर्थ संपत्ता। मतलब जो भी टॉपिक है उसको परिभाषिक रूप से सूत्रन फॉर्म में इस सूत्र स्थान का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रशस्ति है या ये जो निरुक्ति है वो सूत्र स्थान के लिए आपका आया है सुश्रुत संहिता में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जो निदान स्थान है उसमें 16 अध्याय हैं, ये हम जानते हैं। सुश्रुत के निदान स्थान में टोटल 16 चैप्टर हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि पहला जो चैप्टर है वो वात व्याधि, यानी कि ये जो चैप्टर है वात व्याधि से स्टार्ट होता है, जबकि चरक में निदान स्थान स्टार्ट हुआ था ज्वर से। तो यहाँ पे वात व्याधि से स्टार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, और मुख रोग पे ये एंड होते हैं, और मुख रोग को इंक्लूड किए हैं निदान स्थान में सुश्रुत ने। ये चरक में इस तरीके का जो है वर्णन नहीं था। तो 16 जो है वो निदान स्थान के चैप्टर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए शारीर स्थान, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सुश्रुत संहिता का पार्ट है दैट इज शरीर स्थान। शरीर स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें क्या है, 10 अध्याय हैं शारीर स्थान के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है सर्वभूत चिंता शरीर, और शारीर स्थान के सारे ही चैप्टर के नाम आपको एज इट इज आप लोगों को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो पहला जो है आप लोग याद रखना सर्वभूत चिंता शरीर, और लास्ट ये जो है एंड होगा आपके गर्भणी व्याकरण पे। तो ये जो 10 अध्याय हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, तो ये चीज है, तो ये कोटेशन देखो, ठीक है, आपका 17 नंबर का, विज्ञानार्थे शरीरस्य भेषजाम योगिनाम अपि। तो ये जो शरीर स्थान है ना वो शरीर के विज्ञान का वर्णन करते हैं, और ये जो है दोनों के लिए, भिषज और योगी दोनों के लिए हैं। कई बार आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जो है किसके लिए वर्णन किया गया है, योगी के लिए वर्णन किया गया है या फिर आपके भिषज के लिए वर्णन किया गया है, तो किसके लिए किया करके, तो बोथ दोनों के लिए वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। देखो चिकित्सा स्थान जो है वो आपका द्विवर्णीय चिकित्सा से मिलने स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। फिर देखो इसमें मुख रोग एक्सेट्रा सुख दोष आदि का वर्णन है। मुख्य पॉइंट इसमें ये है कि वाजीकरण जो अध्याय है उसका वर्णन रसायन से पहले किया गया है, जबकि अपन चरक में देखते हैं कि रसायन पहले है उसके बाद में वाजीकरण है, लेकिन सुश्रुत संहिता में उल्टा है, पहले वाजीकरण है उसके बाद में आपका रसायन है। फिर देखो इसमें स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन और नेत्रवस्ती उत्तरवस्ती एक्सेट्रा धूम नस्य कवल जो एक्सेट्रा है उनका वर्णन है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है कि पंचकर्म का जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान के अंतर्गत किया गया है। फिर देखो यहाँ पे आपका लास्ट वाला कोटेशन 26 नंबर का, कि प्राश्चितम प्रस्मनम चिकित्सा शांति कर्म च।
शांति कर्म जो है चिकित्सा का पर्याय यहाँ पे जो है आगे है। तो ये सब क्या है आपके चिकित्सा के पर्याय यहाँ पे आपके दिए गए हैं। केवल आपसे पूछेंगे कि प्राश्चितम प्रस्मनम ये किसके पर्याय हैं करके। और अगर आपने इसे रिकॉल नहीं किया तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये चिकित्सा का पर्याय है करके। तो ये ध्यान रखना कि ये चिकित्सा का पर्याय है। साथ ही साथ शांति कर्म जो भूत वर्ड हमने विद्या की परिभाषा में देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना कि शांति कर्म जो है चिकित्सा का पर्याय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आओ। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे ये जो कल्प स्थान है, तो कल्प स्थान जो है वो अन्न रक्षा विज्ञानम, ये कल्प स्थान का अध्याय का नाम है। जबकि अन्न पान विधि अध्याय किसके अंतर्गत था, सूत्र स्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट है ये कि इस तरीके के नाम वाला जो है आपका कल्प स्थान में आ रखा है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस तरीके के 8 अध्याय जो है वो आपको कल्प स्थान में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कल्प स्थान में विश्व रिलेटेड भैसा जैन कल्पनाओं का वर्णन है। जबकि चरक के कल्प स्थान में वमन विरेचन से रिलेटेड औषधियों का वर्णन है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से 120 अध्याय का यहाँ पे वर्णन किया गया है, और इसके बाद में जो 66 अध्याय हैं वो जो है उत्तर तंत्र में वर्णित किए गए हैं। तो इस उत्तर तंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अधिकृत्वे कृतम तंत्रम, सॉरी यहाँ पे आपका बोला गया अधिकृत्वे कृतम यत्रास्तस्मात् तंत्रम उपद्रवान्। कहने का मतलब यह है कि जिस तंत्र में व्रण, जो आपके व्रण हो गए, ज्वर हो गए, इनके उपद्रव का वर्णन किया गया है, उस तंत्र का नाम जो है उत्तर तंत्र है। और इसी कारण से, इस वजह से उसका पहला जो अध्याय है उसका नाम है औपद्रविकम अध्यायम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज हमें यहाँ से ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो जो उत्तर तंत्र के जो अध्याय हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी सी जो रूपरेखा है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले के जो 26 अध्याय हैं उसमें शालाक्य से रिलेटेड वर्णन है। फिर 27 से 38 जो अध्याय हैं उसमें क्या है, कौमार्य वृत्ति से रिलेटेड वर्णन है। फिर 39 से लेकर के 59 तक का जो चैप्टर है उसमें काय चिकित्सा से रिलेटेड वर्णन है। और आपका 60, 61, 62 ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो जो है आपके भूत विद्या से रिलेटेड है। फिर लास्ट के जो 4 आपके चैप्टर बच जाते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भूषण भूत अध्यायों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो ये जो 3 भूत विद्या से रिलेटेड है ना वर्णन, तो कौन से हैं वो, अमानुष उपसर्ग, अपस्मार और उन्माद। ये जो 3 अध्याय है ना वो जो है आपके भूत विद्या से रिलेटेड हैं। तो ये एक तो इनके क्या है ध्यान रखना, आपको नाम को जो है ध्यान रखना है कि अमानुष उपसर्ग, अपस्मार, उन्माद, ये 3 चैप्टर्स के नाम। फिर देखो यहाँ पे आपका जो है एक और चीज है, अपस्मार जो है वो उन्माद से पहले वर्णन किया गया है उसका, जबकि चरक ने उन्माद के बाद में अपस्मार बताया था। तो ये चीज भी आपको अंडरलाइन करके ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपके ये जो 4 अध्याय जिनको तंत्र भूषण अध्याय या भूषण भूत अध्याय कहा जाता है, ये 4 अध्याय हैं ये वाले। तो इसके लिए आप एक कोड लिख लेना, रस तद की ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो, रस तद। तो रस तद लिख लिए तो र से हो जाएगा आपका रस भेद, स से हो जाएगा आपका स्वस्त्रवित, और त से हो जाएगा आपका तंत्र युक्ति, और द से हो जाएगा आपका दोष भेद। तो रस तद की ट्रिक से आपको ये 4 जो चैप्टर हैं जो आपके तंत्र भूषण अध्याय या भूषण अध्याय या भूत अध्याय के नाम से जाने जाते हैं, इनको आप क्या है ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या है ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसी में जो उत्तर तंत्र है उसका नाम उत्तर तंत्र क्यों रखा गया है, तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है श्रेष्ठत्वात् उत्तरम, क्योंकि ये जो है सभी तंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। फिर इसमें बहुत सारे अर्थों का समावेश किया गया है, और सबसे पश्चिमम यानी कि लास्ट में इसको वर्णित किया गया है, इसलिए इसको उत्तर तंत्र कहा जाता है। फिर कुछ कुछ टॉपिक बता रखे हैं कि संहिता में यह टॉपिक का वर्णन कहाँ है। तो यहाँ पे आपका शालाक्य तंत्र, कौमार चिकित्सा, काय चिकित्सा, तो ये सब चीज़ हमने देख लिया कि ये जो 66 अध्याय हैं इनमें इसका वर्णन है। तो ये सब आपको जो मिलेगा भूत विद्या, और साथ ही साथ में 4 जो है तंत्र भूषण, तो ये सारे आपको उत्तर तंत्र में देखने को मिलते हैं। फिर आपका वाजीकरण एंड जो रसायन है दोनों क्या है चिकित्सा स्थान में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर विष तंत्र का जो वर्णन है वो कल्प स्थान में है। फिर आपका शल्य गानम समंतता, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है,
ये पूछा जाता है किस चीज का सभी जगह वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में, दैट इज शैल्य ज्ञान। तो इसको ब्लैंक करके आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना शैल्य ज्ञान जो है उसका पूरे सुश्रुत संहिता में वर्णन है। तो इस तरीके से अष्टांग का जो वर्णन है इस संहिता में किया गया है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज में पहुंचो, नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं यहाँ पे इसका उसका जो है अभ्यास करने के लिए और शास्त्र का पूरा ज्ञान करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आपका लिखा है कि आधे ज्ञान से हमें क्या है चिकित्सा नहीं करनी है, प्रत्यक्ष भी जो है ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। तो उसकी तुलना यहाँ पे उन्होंने की है अर्धभेद धरा वेतक एक पक्षा विविक द्विजा, मतलब जो एक पंख का पक्षी होता है उसके समान हो जाता है व्यक्ति अगर क्या है वो अधूरा ज्ञान ही रखता है तो, मतलब क्या है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रखता है तो। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि इस कोटेशन का रेफरेंस क्या है करके। फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि स्नेहन स्वेदन आदि जो कर्म है या आपके अष्टविध शस्त्र कर्म जो है उनको करने में जो वैद्य समर्थ होते हैं, सॉरी असमर्थ होता है, ठीक है, वो वैद्य क्या है कुवैद्य कहलाता है और वो जो है राजा के दोष के कारण ही क्या है आचरण कर पाता है। तो कुवैद्य के लिए जो दोष माना है नृप दोष मेल्ली माना है इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट रेफरेंस है आहवे कर्म निर्वेदुम द्विचक्र संदनो यता, मतलब जैसे कि दो पहियों का रथ जो क्या है कि युद्ध करने के लिए सक्षम होता है, मतलब जो युद्ध है युक्त करने में समर्थ होते हैं, इस तरीके से शास्त्र ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान ये दोनों दोनों का ही ज्ञान जिस वैद्य को होते हैं वो जिस तरीके से दो पहिए का रथ जो है वो युद्ध जीत सकता है उसी तरीके से वैद्य जो है वो चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस लाइन का रेफरेंस याद रखना, ये किसके रेफरेंस में आपका आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट पेज अपन देखते हैं, इस अध्याय का उपसंहार करते हुए आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने लिखा है कि वाक सौष्टवे की वाणी में सौष्टम रखते हुए अर्थ विज्ञाने, यानी कि अर्थ विज्ञान में आप निपुण रहते हो। फिर बोला गया है प्रागल्य कर्म निपुणे, अपने क्रिया में निपुणता को प्राप्त करें। फिर आपका बोला गया है तद अभ्यासे, शास्त्र का अभ्यास करें तभी आप जो है वांछित अर्थ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज सारे आपके IIPGT एस्पिरेंट के ऊपर भी फॉलो होता है कि आप लोगों को क्या है बार बार अभ्यास करना है रिवाइज करना है तभी वांछित अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। तो इस श्लोक को भी आपको रेफरेंस के तौर पे याद रखना है। और इसी के साथ में ये वाला जो टॉपिक है आपका अध्ययन संप्रदानीय जो अध्याय है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका जो है फिनिश होता है, जिसमें आपका क्या है जो विषय वस्तु है उनके छोटे छोटे क्वेश्चन अगर अराइज यहाँ पर से होते हैं वो सारी चीजों को मैंने आप लोगों को रिकॉल करा दिया है।